अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में लोगों ने पुलिस की गोली से हुई दो युवकों की हत्या के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। ज्ञापन में बताया गया कि 30 अगस्त 2019 को पुलिस कर्मियों द्वारा गुर्जर समाज के दो निर्दोष युवकों की हत्या कर दी गई, जिसका मुकदमा बईसडांग पुलिस थाने में दर्ज किया गया। घटना के दूसरे दिन पुलिस व प्रशासन ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने और दोषियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया, जिसके बाद समाज के लोगों ने उन दोनों युवकों का संस्कार कर दिया। लेकिन अभी तक ना तो आरोपी पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी हुई है और ना ही पीड़ित परिवार को न्याय मिला है। ज्ञापन देने वालों में जड़ेल सिंह एडवोकेट, ज्ञान सिंह, रामवीर, दिलीप सिंह व रामवरण प्रकाश आदि शामिल हैं। 30/8/19 में जो पुलिस ने दो युवकों की हत्या की थी और वह मामला अभी तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होने के कारण लटका पड़ा है, उसमें ज्ञापन देने आए हैं। हमें शासन और प्रशासन, राज्य सरकार द्वारा बार बार ये आश्वासन दिया जाता रहा है कि हम गिरफ्तारी करेंगे, लेकिन आज तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। और जब हम जांच अधिकारी से बात करते हैं तो जांच अधिकारी कह देता है कि FSL से जांच रिपोर्ट नहीं आने के कारण गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। जब हमने पता किया तो यह पता लगा है कि अपराधियों ने FSL रिपोर्ट को जानबूझ के वहाँ पर रुकवा दिया है। वहाँ रिपोर्ट रुकी हुई है और यहाँ अपराधी अपने माध्यम से पीड़ितों के परिवारों को राजीनामा के लिए बाध्य करा रहे हैं कि किसी तरह से इसमें राजीनामा करें। इसीलिए हम राज्य सरकार से ये मांग करते हैं, जिला कलेक्टर के महोदय के माध्यम से, कि कैसे ही एक तो दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी हो, पीड़ितों की जो वाजिब मांगे हैं, मुआवजा है, वह इन्हें दिलवाया जाए। गिरफ्तारी के बाद ये लेंगे, पहले लेंगे नहीं। और जो पुलिस वाले इन पर नाजायज दबाव डाल रहे हैं राजीनामा के लिए, उनको किसी तरह से रोका जावे, उन्हें रोकने के लिए आवश्यक। धौलपुर में दीनदयाल अंत्योदय